जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सिर्फ एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या लूसेंट या क्राउन प्लस घटना चक्र प्लस स्पीडी से दरोगा में रिजल्ट हो जाएगा या नहीं होगा, यही सवाल है। इसी को इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इस स्थिति में होंगे कि इसका जवाब क्या होगा, खुद से निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे कि इस प्रश्न का जवाब जैसे कि लूसेंट या क्राउन घटना चक्र स्पीडी से दरोगा में रिजल्ट होगा कि नहीं। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से दे देंगे। तो हम सीरियली एक व्यवस्थित तरीके से बताने का आपको प्रयास करें कि इस पैटर्न से हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, कौन लोग पहुँचे हैं अभी आने वाला वैकेंसी में, इस स्थिति में होंगे कि नहीं, कि हम लोग का मैंने दरोगा में रिजल्ट हो जाएगा कि या नहीं हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप निर्णय खुद से ले लीजिएगा। पिछले 4-5 साल के अंदर में दरोगा का वैकेंसी लगातार आया है। 1717, 2446, 2213, 1275, अभी पाँचवा लगातार आने वाला है, 2000 अनाउंस हो चुका है। इस सब में किस तरह से लड़कन सिलेक्शन लिया है, और मतलब हर से संपर्क में हम लोग 1717 वाला से संपर्क में है, 2446 में तो हम खुद मेरिट में बाहर हुए हैं, 1213 में हैं, 1275 में भी बहुत सारा दोस्त का सिलेक्शन हुआ है। तो किस तरह का लड़कन सिलेक्ट हुआ है और किस तरह से पढ़ाई किया है, क्या पढ़ाई किया, हम लोग बहुत से लोगों को जानते हैं। तो हम बात करते हैं 1717 वाला में। उस समय हम ग्रेजुएशन ही हुआ था, लेकिन जानकारी था हम लोग का, तो सीनियर का रिजल्ट हुआ था उसमें। तो हम देखे थे कि सबसे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करता था उस समय, 1717 यानी कि 2018 में सबसे ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करता था, और मात्र तीन चीज़ पढ़ता था उस समय, लूसेंट या कराउन। ज़्यादातर मगध वाला लड़कन जो गया में तैयारी करता था, अधिकतर सब लूसेंट, पटना में कराउन चलता था, तो लूसेंट ही पढ़ता था, स्पीडी, घटना चक्र, उसके बाद सेट, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा उन लोग। मतलब रेशियो अगर देखा जाए इस तरह से, लूसेंट, घटना चक्र, स्पीडी वाला लोग 90% इस तरह से सिलेक्शन लिया था, इस तीन किताब पढ़ के और सेट प्रैक्टिस करके। और 10% था वो लोग जो कंसेप्चुअल था, हल्का फुल्का ये सभी पढ़ लिया था, मात्र 10% ही था। तो उस समय वेटेज ज़्यादा था। फिर बात करते हैं 2446 बैच, जिसमें हम मेरिट में बाहर हुए थे, इसमें भी 80% वो लोग थे जो लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र ही पढ़े थे, सेट प्रैक्टिस किए थे और थोड़ा बहुत इधर उधर सोर्स किए थे। 20% ही लोग वो थे जो कंसेप्चुअल, मतलब कोई अलग से प्रकाशन से कोई बुक, एकदम कंसेप्ट से गहरा नॉलेज वाला 20% था। लेकिन 80% हम किसी से भी पूछ लीजिए, मात्र यही तीन चार किताब था, लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, स्पीडी और सेट, इसके अलावा कुछ नहीं था। 2213 जिसमें हम हैं, इसमें अलग पैटर्न रहा, 60% और 40% का रेशियो। 60% लड़के वो सिलेक्ट हुए जो सिर्फ लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, स्पीडी और सेट प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि और कुछ, मतलब इससे रिजल्ट हुआ है 2213 में और कुछ नहीं पढ़ा। मेरा दोस्त ही बहुत सारा लोग है इसमें, तो हम खुद सिलेक्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज इसी में है कि कौन किस तरह से पढ़ के आया। तो 60% सिलेक्टेड कैंडिडेट यही तीन चार किताब था, लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, मतलब लूसेंट या क्राउन में से कोई। हम खुद सिर्फ लूसेंट पढ़े थे, लेकिन और भी बहुत सा चीज़ हम पढ़े हैं, बीपीएससी के लिए भी तैयारी किए थे, थोड़ा सा डीप नॉलेज लिए थे, लेकिन हम ज़्यादातर सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो यही तीन चार किताब सेट प्रैक्टिस था, 40% कंसेप्ट वाला था, गहरा नॉलेज वाला था, उसका रिजल्ट हुआ, लेकिन ज़्यादातर यही सब हुआ है। लेकिन 1275 में थोड़ा सा अंतर कर दिया, 50% का रेशियो आ गया इसमें। मतलब है कि सेट प्रैक्टिस कीजिए, लूसेंट, क्राउन, अब इस सबसे ना क्वेश्चन कम मैच करता है, पहले बहुत ज़्यादा मैच करता था, अब मैच नहीं करता है। यानी कि अगर सिर्फ इस पर रह जाइएगा कि लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, स्पीडी पर रह जाइएगा, तो एकदम रिस्क है, भयंकर रिस्क है। यानी कि आप खुशफहमी में रहिएगा, इस सब पढ़ के सेट प्रैक्टिस में आप 75-80 नंबर एकदम लेके आना ही आना है। ये सब पढ़ लेगा, घटना चक्र पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, सेट प्रैक्टिस में आपका नंबर 75 से 80 आ जाएगा, बस यही दो चीज़ से। लेकिन अगर इसी से एग्जाम देने चल जाइएगा, खुशी खुशी तो चल जाइएगा, लेकिन वहाँ से मतलब ये फिर नहीं रहेगा कि रिजल्ट हो जाए, क्वेश्चन कहाँ से आ गया ये कहते हुए निकल जाइएगा। तो कहना ये है कि लूसेंट या क्राउन एक गाइड है। गाइड में होता है हाईलाइटेड क्वेश्चन देना, पूरा कंसेप्ट, पूरा डिटेल्स थोड़ी है उसमें, वो गाइड है। अब कोई एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा गाइड पढ़ के, तो वो रिस्की है, चाहे वो इंटर का एग्ज़ाम ही देने जाए, जो डायरेक्ट गाइड पढ़ के जाएगा तो वो रिस्क नहीं है, हो सकता है मैच ना करे, और नहीं करता है, गाइड है, और वो इंटर का एग्ज़ाम तो है नहीं।
ये हाई लेवल कंपटीशन है पूरा बिहार में, 2000 वैकेंसी है, तो मान लीजिए 7 से 7.5 लाख स्टूडेंट जरूर इसको फॉर्म फिल करेगा। सोचिए कितना कंपटीशन टफ है। अगर सिर्फ यही पढ़ के जाइएगा तो कितना भयंकर वाला रिस्क है। और जो और भी कंसेप्ट रखेगा और डिटेल्स में पढ़ाई करेगा तो उसके तुलना में आप पहले ही से पिछड़ जाइएगा, तो ये भयंकर रिस्क वाला बात होगा अगर आप सिर्फ यही पढ़ के जाइएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आपके पास 1 साल टाइम है, अभी से 1 साल टाइम है, या तो ग्रेजुएशन होने में, या आपको लगता है ऐसे तो 6 महीना में उम्मीद है कि प्री, 6 से 8 महीना में प्री हो जाएगा ऐसा लग रहा है, 100% गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, बीपीएससी बहुत भयंकर बोर्ड है। तो सुझाव ये है कि अगर 1 साल टाइम है तो आप कहीं से सबसे पहले तो कंसेप्चुअल लेवल का नॉलेज रखिए, कोचिंग से ऑनलाइन क्लास कीजिए, उसमें डिटेल्स पढ़ाया जाता है, कोचिंग का मटेरियल जहाँ से कोचिंग कीजिएगा उसका मटेरियल तो अवेलेबल होता ही हर जगह, यही है कहीं से भी पढ़ें वो मटेरियल देगा, एक स्रोत ये हो गया। अगर इससे कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर लूसेंट या करौन पे आइए, और घटना चक्र पर दम आना है लौट के उस पर आइए जरूर, नहीं तो हो सकता है फिर पीछे हो जाएंगे, एक दो सोर्स हो जाएगा, कहे कि सब कोई इसको पढ़ता है, आप नहीं पढ़िएगा तो पीछे हो जाएगा। दो सोर्सेज रखिए एकदम काफ़ी है, 1275 में भी इस तरह से लोग बहुत तरह का नॉलेज रखा, अलग प्रकाशन का या खुद से सेल्फ स्टडी कर लिया, और प्लस में ये लूसेंट या करौन ये गाइड है, घटना चक्र सेट प्रैक्टिस, इससे रिजल्ट हुआ। दूसरा बात, अगर 6 महीना ही है आपके पास, लगता है कि 6 महीना ही मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, तब आप रिस्क ले सकते हैं, लूसेंट क्राउन पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए और सेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो किसी कोचिंग का मटेरियल लेके खुद से जरूर पढ़िए, ये रिस्की बात हो गया लेकिन जल्दी हो जाएगा, आप खुद से कीजिएगा तो जल्दी कवर होता है, कोचिंग पढ़ाता है तो वो थोड़ा सा डीले हो जाता है, 1 महीना का काम 3 महीना 4 महीना में हो जाता है। अंत में यही कहना चाहेंगे कि आने वाला जो 2000 का वैकेंसी है, इसके बाद मुश्किल है कि दरोगा का फिर वैकेंसी आए, मतलब हो सकता है बहुत गैप आएगा, एक्साइज हो जाए, ईएसआई हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीट, 112 सीट आया था, 26 सीट, 64 सीट ऐसे ऐसे आता है, तो ऐसे में 2000 के तुलना में बहुत कम है ही। तो आप लोग बेहतर रणनीति से तैयारी कीजिए, ऐसे सुझाव देते रहेंगे हम, आप लोग कमेंट में अपना सवाल कीजिएगा, उसी तरह से हम जवाब देने का प्रयास करेंगे, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।